नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, भारत नहीं करने जा रहा कोई हमला। पाकिस्तान पर हमले की बात बेतुकी, हथकंडे मत अपनाए पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान विदेश मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना और बेतुकाना बताया है और उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें उसने बताया था उनके पास खुफिया जानकारी है। भारत 16 से 20 अप्रैल के बीच पाकिस्तान पर एक और बड़े हमले की योजना बना रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि इस हथकंडे से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों से भारत में हमले कराना चाहता है। पाकिस्तान को मुख्य मुद्दे से भटकाने वाले बयान देने की बजाय आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय स्थिर कदम उठाने चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को कहा था कि उनके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत 16 से 20 अप्रैल के बीच एक और हमले की योजना बना रहा है। पाक विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि एक नए हादसे का ताना बाना रचा जा सकता है और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और सही ठहराना है और पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बनाना होगा। आतंकवाद पर चौतरफा गिर चुके पाकिस्तान की भारत को बदनाम करने और आतंकवाद को खत्म करने के दबाव को कम करने की साजिश है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध को लेकर संयुक्त राष्ट्र परिसर को लेकर अमेरिका और फ्रांस द्वारा लाए गए नए प्रस्ताव पर पाकिस्तान घिर चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब वो दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में उसका प्रयास है कि भारत को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची जाए, जिसके लिए उसने नया कारनामा किया है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।